हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी आपकी जन्मतिथि के बारे में, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे आपके खुद के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस छुपे हुए हैं, तो आज मैं आपको आपके भाग्य को चमकाने की बात करने वाली हूं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, नमस्ते हैं आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग सब घर में सही होंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगता है लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी किस तरीके से आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हर बार मैं आती हूँ और आपसे वास्तु के बारे में बात करती हूँ, वास्तु के डायरेक्शंस के जोन्स के बारे में बात करती हूँ, उनसे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। बट आज मैं आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिनको डेट ऑफ बर्थ तो सबको पता होती है, डेट ऑफ बर्थ के डेट ऑफ बर्थ से आप आपकी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको ऐड ऑन करना है। सपोज़ हम एक नंबर ले लेते हैं, बट उससे पहले आप लोग एक पेपर और एक पेन लेकर आइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और अपना भाग्यांक निकालिए। हमारी डेट ऑफ बर्थ में दो नंबर छुपे हुए होते हैं, यानी कि मूलांक और भाग्यांक। भाग्यांक को हम लाइफ पाथ नंबर कहते हैं। मूलांक जो होता है हमारी पर्सनालिटी का नंबर होता है, और भाग्यांक हमारा भाग्य डिसाइड करता है। तो आज हम भाग्यांक के बारे में करेंगे, अपने भाग्य को चमकाएंगे। तो सबसे पहले आज हम एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक डेट ऑफ बर्थ का, फिर आप अपना अपना भाग्यांक ज़रूर निकालिए और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आगे मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ देते हैं 24/7/2007, यानी कि 24 जुलाई 2007। अब आपने इनको ऐड कर लेना है, जैसे 2 + 4 + 7 + 2 + 00 + 7, दो नंबर होंगे, तीन नंबर होंगे, आपने स्क्वीज करके उसको एक बनाना है, उसको ऐड ऑन कर लेना है। अब हम आपको बात करेंगे, नंबर वन से स्टार्ट करती हूँ मैं, वन से लेकर नाइन तक के बारे में बताने जा रही हूँ। अपने अपने नंबर को ध्यान से सुनिएगा, क्या पता आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपका उदय भाग्य उदय ज़रूर हो जाए। पहले नंबर के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जो नंबर वन है वो है सन का नंबर, यानी कि आपका जो प्लैनेट है वो सन। अब सन जो है, आपको सन को कैसे खुश करना है, सिंपल सा उपाय है, बहुत सरल उपाय है, बहुत छोटे छोटे उपाय मैं लेकर आई हूँ। सरल उपाय ये है कि आपको सिर्फ सन को खुश करना है, सूर्य को खुश करना है, सूर्य को जल देना है। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर आप सूर्य को जल दीजिए, साथ ही उसमें 3-4 दाने चीनी के डाल दीजिए। अब साथ ही आप सूर्य के मंत्र जाप कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। आप सूर्य के मंत्र जाप आप कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में। अब बात करते हैं भाग्य अंक नंबर दो की, जिनका भी लाइफ पाथ नंबर टू है। अब वो देखिए उन्हें क्या करना है, उन्हें उनका जो प्लैनेट होता है वो है चंद्रमा, यानी कि मून। अब मून वाले को क्या करना है, सिंपल है कि आपको मंडे के दिन सोमवार को मीठी चीज़ बना के बाहर बांटनी है, दान देनी है। दान में आप किसी को एक भी बंदे को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको बहुत सारा भर के ले जाना है और दान देना है, आपको सिर्फ एक बंदे को भी आप दान दे सकते हैं। यानी कि आप अगर घर में मीठी चीज़ बना के, यानी कि खीर बना के अगर आप दान दे दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाहर से कोई भी सफ़ेद कलर की चीज़ खरीद कर आप दान दे सकते हैं। अब बात करते हैं भाग्य अंक नंबर तीन की, यानी कि लाइफ पाथ नंबर थ्री की। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर थ्री है, आपका जो प्लैनेट है वो है गुरु, यानी कि जुपिटर। अब गुरु को कैसे खुश करना है, अगर आप लोगों के गुरु हैं तो अपने गुरु को खुश कीजिए। आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको गुरु को कैसे खुश करना है, समय समय पे उन्हें कुछ ना कुछ भेंट ज़रूर दीजिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो अपने किसी भी भगवान को आप गुरु बनाकर उनको थर्सडे के दिन, यानी कि गुरुवार के दिन, आप कोई भी पीली चीज़ का मीठा प्रसाद लगाइए, साथ ही टर्मरिक का तिलक उन्हें भी लगाइए, खुद भी लगाइए, या चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम फोन नंबर की, चार नंबर राहु का नंबर होता है। राहु अगर अच्छा होता है, बुरा होता है तो अच्छा भी होता है। अब जिस तरीके से राहु राजा को रंग बनाता है, तो रंग को राजा भी बना के देता है। तो सिंपल से उपाय हैं, बहुत छोटे से उपाय हैं। आपके नीचे के जितने भी लोग काम करते हैं, आपके मेड सर्वेंट्स, आपके ड्राइवर, आपके पियोन, जो भी काम करते हैं उनको खुश रखिए। किस तरीके से खुश करना है, छोटे छोटे सिंपल से उपाय हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप उन्हें गिफ्ट कीजिए। कोशिश कीजिए, जो राहु होता है वो ध्यान का कारक होता है, तो आपको ध्यान का अगर आप पॉजिटिव सोच लगानी है तो त्राटक की एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको गूगल पे मिल जाएगी किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि 2020 जो है राहु का पीरियड चल रहा है, तो इसमें अगर आप ये सब करते हैं तो आपका जो ये ईयर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं पाँच नंबर की, पाँच यानी कि मरकरी का नंबर, बुध का नंबर। अब बुध यानी कि बुद्धि, यानी कि बुद्धू। अब बुध अगर अच्छा होगा तो बुद्धि होगी, अगर बुध खराब होगा तो बुद्धू हो जाएंगे। अब इसको कैसे खुश करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप वेडनेसडे के दिन दान दीजिए, आप तो खुद भी खाइए, दान भी दीजिए, खुद बहुत खाइए और दान ऐसा दीजिए कि किसी के घर में एक बार सब्जी ज़रूर बन जाए। अब बात करते हैं सात नंबर की, छः नंबर जो होता है वो बहुत छः नंबर के लिए बहुत ईजी उपाय हैं, बहुत अच्छे उपाय हैं अपने लिए। अगर वो जितना निखारेंगे उतना अच्छा होगा, पर्सनालिटी को अपने जितना निखार सकते हैं उतना अच्छा है। ब्रांडेड क्लोथ्स पहनिए, ब्रांडेड शूज़ पहनिए, ब्रांडेड घड़ियाँ पहनिए, अगर ब्रांडेड परफ्यूम्स लगाएंगे तो और भी क्या कहना।
और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं आप अफोर्ड कर पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो सिर्फ रोज़ का इत्र लगाइए, रोज़ की परफ्यूम लगाइए, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका जितना भी काम आपका बनना होगा वो ज़रूर बनेगा। शुक्रवार के दिन रोज़ का परफ्यूम लगा के किसी भी काम में आप अगर जाएंगे तो वो आपको ज़रूर हासिल होगा। अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर यानी कि केतु का नंबर। केतु का नंबर जो होता है उसको आपको खुश करने के लिए सिंपल है, बहुत सरल उपाय है, सिर्फ आपको गणेश जी की पूजा करनी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनका नंबर है 7, उनके सामने अभी से गणेश जी की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, उनको आदत डाल दीजिए, उनका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा, उनका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 नंबर की। 8 यानी है कि शनि का नंबर। सबको पता है शनि के नंबर में जिसका भी शनि का पीरियड होता है उसको क्या करना है, शनि को खुश करना है। तो शनि में शनिवार वाले दिन जितनी भी काली चीज़ों को दान दे सके उतना अच्छा है, बट दान देते समय आपने हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने दान उतना देना है कि किसी के अगले के घर में खाना अच्छे से बन जाए, वो एक टाइम का खाना खा सके, एक टाइम के घर की रोटी उसके घर में पक जाए। बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर को हनुमान, 9 नंबर का जो नंबर होता है उसका प्लैनेट होता है मंगल। आपने सिर्फ इतना करना है, मंगलवार के दिन आपने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, लाल कलर का तिलक आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, और साथ ही साथ घर में मीठी चीज़ बनाकर, कोई भी कैसी भी मीठी चीज़ बना के मंगलवार के दिन ज़रूर भगवान को प्रसाद भी चढ़ाएं घर के और ख़ुद भी खाएं, तो आप लोगों का भाग्य उदय ज़रूर होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।